may cancel me if you want to, but I will not make a video about whatever is happening in Kashmir. बात ये है कि नए बच्चों को ये समझना चाहिए, अगर आपको फेम मिल रही है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी किस्म की भी बात नहीं करनी चाहिए. अगर आपके घर में कोई मसला चल रहा है मेरे भाई, तो आपको उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए. पब्लिक के सामने उसे उछल कूद नहीं करनी चाहिए. ये जो कश्मीर से भी ऊपर इशूज वक्त ट्रेंड हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि इस वक्त सारे लोग ना यहाँ देख रहे हैं. और यकीन माने, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये फॉलोअर इसके यूट्यूब इसके यहाँ ट्विटर के और बढ़ जाएंगे. ये बड़ा अलमिया है, ये और बढ़ेंगे. ये इसका यूट्यूब चैनल है, ये नोट कर लें, ये बढ़ जाएंगे. अब इतने अब सारे वो लोग आएंगे यहाँ पर जो इंडियंस को सपोर्ट करते हैं कश्मीर के चक्कर में. आप यकीन माने, ये जो बात इसने बोल दी है, इसको खुद अंदाज़ा नहीं होगा. और इनफैक्ट ये हो सकता है मेरे ऊपर कोई कॉमेडी करने की कोशिश करे, बॉस मैंने बोला क्या है वकार ज़का तो ऐसा वकार ज़का वैसा, मतलब यहाँ ये कह रहा भाई शोएब अख्तर को भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, हसन. नो, द पॉइंट इज अपने घर में, मतलब आपके घर में खुदा ना खास्ता हमला हो रहा हो, तो आपके अपने घर वालों के घिस जाएंगे. मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि मैं इम्प्लाई करूं कि जो भी कश्मीर में हो रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली बात है. आई नो वट इज़ हैपनिंग इन कश्मीर, इज़ वेरी सैड एंड वेरी सीरियस एंड आई कंडेम इट. खैर, तो उसके बाद आई ट्वीटेड अ थ्रेड, चार पांच ट्वीट्स का, कि आई विल नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट. और वो मैं आपको बताता हूँ वाई. वीडियो में थोड़ा बेहतर आप बता सकते हैं. तो आई विल नॉट मेक अ वीडियो ऑन कश्मीर, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले रिलीजियस और पॉलिटिकल टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की गलती की है, और कमेंट्स पढ़े हैं मैंने, एक शख्स का भी ओपिनियन चेंज नहीं हुआ. जो मेरे सपोर्ट में थे वो सपोर्ट में ही थे, जो मेरे आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट थे उनकी गालियाँ शुरू हो गईं, और माँ बहन सब एक. तो मुझे लगा कि मेरी इन टॉपिक्स पे बात करना मेरे लिए ऐसा ही है जैसे नुमाइश चौरंगिया कराची में, वहाँ हर जुम्मे को फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए रैली निकलती है, ट्रैफिक ब्लॉक होता है, बिजनेस इफेक्ट होता है, लोग इफेक्ट होते हैं, और रैली ख़त्म हो जाती है, दैट्स इट. और लास्टली, जिन लोगों ने मुझे कैंसिल करना था, जिन लोगों ने स्पेसिफिकली ये लिखा है कि यू आर कैंसल्ड, तो आपको थोड़ा एरोगेंट लगेगा, मुझे भी लग रहा है बोलते हुए, लेकिन चलो अब तो सोच लिया. इज्जत और जिल्लत मेरे भाइयों बहनों अल्लाह के हाथ में होती है. आप और मैं एक गलती कर रहे हैं. देखें, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान अभी ट्रेंड करना चाहिए, लेकिन ट्रेंड क्या कर रहा है? इरफान जुनेजो, अपना ही बच्चा यार, ले ली ना बस उसकी, हम सब ने मिलकर और कितनी आप लेना चाहते हैं. उससे गलती हुई है, और गलती ये हो गई कि ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ाने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप कोई एंटी ऐसी बात करते हैं जो उस वक्त बड़ा सेंसिटिव टॉपिक चल रहा हो, तो वहाँ जब फॉलोअर उसके बढ़ गिनना शुरू हो गए, ट्रेंड में वो आ गया, तो वहाँ वीडियो डालने के बजाय उसने यूट्यूब पर डाली ताकि वहाँ सब्सक्राइबर बच जाए. मसला यहाँ पर यह है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के ट्रेंड पे फोकस हमें करना चाहिए, क्योंकि हम दुश्मन को ये दिखा रहे हैं कि इनमें तो खुद ही फूट फट जाती है. चलो यार, अब ये नई नई फेम आती है तो इंसान से गलती हो ही जाती है. और लेकिन एक जो बात इसने गलत की है ना, वो डिफेंड भी अब उसको जैसे कर रहा है कि नहीं यार, मैं तो नहीं बोलना चाहता, तो बस मैं नहीं बोलना चाहता. भाई नहीं बोलना चाहता तो भाई कोई यूएन के एम्बेसडर ने घर से आके तुम्हें उठा तो लेना नहीं था कि तुमने ट्वीट पोस्ट कर दिया, कुछ तुम्हें फैंस फॉलोअर्स तुम्हें बोल रहे थे पोस्ट करो. अच्छा, बाकी शाम इद्रीस डकी या जितने भी और लोग हैं, खुजली फैमिली वगैरह, वो उनका नहीं पोस्ट करने का दिल तो नहीं करें, लेकिन ये आके बताना कि मैं इसलिए पोस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने क्वेटा के शिया के ये दिखा रहा है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत गलत आपने बहुत ही गलत यूज की है. मैं बताऊंगा आपने अपनी जॉब कैसे करनी है. कल आप अपने कंपनीज में जाएंगे, मैं सेटिया कंपनी थी, मैं मल्टीनेशनल की बात कर रहा हूं, जो कोका कोला में काम करता है, जो यूनिलीवर में काम करता है, पीएनजी में काम करता है, आप अपने ऑफिस में जाएं, बॉस को बोलें लंड पे चढ़े सेल्स टारगेट, आज हम कश्मीर पे बात करेंगे, कश्मीर के झंडे लगाना ऑफिस में, और बोलना मीटिंग सब कैंसिल, बहनचोद सब इस के बात करेंगे. करो फिर करो, और मुझे वीडियो बना के भेजो, सेटिया कंपनी से नहीं, मल्टीनेशनल से. अपनी जॉब तुम स्टेट पे नहीं डालोगे, हमें जो है ना